मैं आपके समक्ष फिर प्रस्तुत हूं एक नया कौशल लेकर के, जिसका नाम है व्याख्यान कौशल। आखिरकार व्याख्यान कौशल क्या होती है, क्या होता है, इसके घटकों को समझाने से पूर्व मैं व्याख्यान कौशल के विषय में विस्तृत जानकारी दे रहा हूं। व्याख्यान कौशल का प्रयोग वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली से लेकर के आज तक किया जा रहा है और आने वाले शिक्षण में भी व्याख्यान विधि एवं व्याख्यान कौशल का प्रयोग किया जाता रहेगा, क्योंकि व्याख्यान कौशल ही एक ऐसा कौशल है जिसके द्वारा हम अपनी बातों को दूसरे के समक्ष रख सकते हैं। अर्थात जो भी पाठ कंटेंट प्रकरण हमें पढ़ाना है, हम विद्यार्थियों तक व्याख्यान के माध्यम से ही पहुंचा सकते हैं। किंतु अगर हम इसके कुछ घटकों को ध्यान में रखकर के इस कौशल का प्रयोग करेंगे तो निश्चित ही हम व्याख्यान विधि का या व्याख्यान कौशल का प्रयोग सुचारू ढंग से कर सकते हैं। पहला है भाषा का उचित स्तर। जब भी आप कक्षा में शिक्षण कर रहे होते हैं तब आपको भाषा का उचित स्तर रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप बहुत जल्दी 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 बोलें, ऐसा ना हो बहुत धीरे धीरे बोलें, बल्कि आपको यह ध्यान में रखना चाहिए कि हमें कितने टाइम ड्यूरेशन में कितने कालांश का पीरियड है और हमारा प्रकरण पूरा हो जाना चाहिए, बच्चों की समझ में आ जाना चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण है। हमने अपने पाठ को जल्दी जल्दी तो पढ़ा दिया लेकिन बच्चों की समझ में नहीं आया तो उस व्याख्यान का कोई भी औचित्य नहीं रह जाता है। दूसरा है विचारों की तारतम्यता। जब भी हम कक्षा में छात्रों के सम्मुख लेक्चर दे रहे होते हैं तो हमें विचारों को कोरिलेटेड करते हुए, विचारों एक दूसरे कथन स्टेटमेंट से दूसरे कथनों को जोड़ते हुए इस तरीके से व्याख्यान देना चाहिए कि बच्चा समझ सके कि क्या पढ़ाया जा रहा है और कैसे पढ़ाया जा रहा है और बच्चा किस तरीके से उसको समझ सके। इसलिए जो भी स्टेटमेंट्स हैं, जो भी कंटेंट है, जो भी पैराग्राफ हैं, उनको पूरी तरह से विचारों की तारतम्यता उसमें होनी चाहिए। नेक्स्ट है दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग। शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए व्याख्यान करते समय दृश्य श्रव्य सामग्री का अगर प्रयोग करेंगे तो बच्चे उस प्रयोग सामग्री को देख करके अधिक ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, क्योंकि हम उनको वास्तविक रूप से दिखाते भी जाएंगे और उनके विषय में समझाते भी जाएंगे। क्योंकि एक कहावत है, 100 बार सुने हुए ज्ञान की अपेक्षा 1 बार देखा गया ज्ञान अधिक स्थायी होता है। इसलिए श्रव्य दृश्य सामग्री के माध्यम से जो भी शिक्षण कार्य हम करेंगे वह बच्चों में ज्ञान अर्जन करने का एक सशक्त साधन बनेगा और उस ज्ञान को दीर्घकालीन समय तक बच्चे अपने मस्तिष्क में भंडारित करके रख सकते हैं। नेक्स्ट है शिक्षण बिंदुओं को दोहराना। लेक्चर देते समय आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो मुख्य शिक्षण बिंदु हैं, जो मुख्य पॉइंट्स हैं, उनको साथ ही साथ आप रिवाइज करते चलें, उनका रिवीजन करते चलें, ताकि बच्चे इस बात को समझ सकें कि इस पाठ में कौन सी चीज प्रमुख है या अध्यापक कौन सी चीज को विशेषकर समझाना चाह रहे हैं और कौन सी चीज महत्वपूर्ण है। शब्दों का सही उच्चारण, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जब भी हम पाठ का प्रस्तुतिकरण व्याख्यान के माध्यम से कर रहे होते हैं तो हमें उच्चारण का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर उच्चारण हमने गलत कर रहे हैं तो बच्चा उसका अर्थ गलत निकाल सकता है। इसलिए उच्चारण की दृष्टि से
व्याख्यान कौशल का प्रयोग सही तरीके से किया जाना चाहिए, उच्चारण शुद्ध हो ताकि बच्चे उनका सही अर्थ निकाल सकें और उन्हें समझ सकें। इसलिए जब भी आप व्याख्यान विधि का प्रयोग कर रहे हों तब उसमें उच्चारण का विशेष ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है अंत्य क्रिया में परिवर्तन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। होता क्या है, कई बार जब हम लेक्चर देते रहते हैं तो बच्चों का इंटरेक्शन हमसे नहीं हो पाता है, बच्चे इधर उधर देखते रहते हैं। इसलिए क्या है कि टीचर को अंत्य क्रिया में परिवर्तन करना चाहिए। कभी कभी लेक्चर देते देते टीचर को बिल्कुल शांत हो जाना चाहिए। जब टीचर पढ़ाते पढ़ाते अचानक से शांत हो जाएंगे तो सभी छात्रों का इंटरेक्शन शिक्षक के साथ जुड़ जाएगा और वह शिक्षण प्रक्रिया में रुचि लेना प्रारंभ कर लेंगे। जब तक वह शिक्षण प्रक्रिया में रुचि नहीं लेंगे तब तक वह शिक्षण प्रभावशाली नहीं माना जाएगा, क्योंकि हम शिक्षण कर रहे हैं शिक्षार्थियों के लिए और शिक्षार्थियों से ही हमारा इंटरेक्शन नहीं हो रहा है तो ऐसे शिक्षण का कोई औचित्य नहीं रहता। इसलिए हमें हर संभव प्रयास ये करना चाहिए कि सभी छात्रों का इंटरेक्शन शिक्षक से बना हुआ होना चाहिए ताकि छात्र उसको सही तरीके से समझ सकें। नेक्स्ट है पाठ की उचित गति। इसको भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान देना चाहिए। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम पाठ की गति को इस प्रकार से रखें कि हमारा पाठ भी समाप्त हो जाए, हमारे उद्देश्यों की भी पूर्ति हो जाए और जो हमारे सामने छात्र छात्राएं बैठे हुए हैं उनकी भी समझ में आ जाए। ऐसा ना हो आप पाठ को बहुत जल्दी पढ़ा रहे हैं, छात्र कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं। इसलिए पाठ की गति उचित होनी चाहिए, क्योंकि शिक्षण प्रक्रिया का मूलभूत उद्देश्य सिर्फ एक ही है, छात्रों को ज्ञान से पूर्ण करना। पाठ की उचित गति होगी तो बच्चे अपनी मानसिक स्थिति के आधार पर पाठ का ज्ञान अर्जन अच्छी तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट है परस्पर जुड़ने वाले शब्द। जब हम पाठ पढ़ा रहे होते हैं तो जो कथन है, जो स्टेटमेंट है या कुछ सेंटेंस हैं, जो पैराग्राफ्स हैं, वो परस्पर जुड़ने वाले शब्दों का प्रयोग उसमें होना चाहिए ताकि वो प्रीवियस नॉलेज को न्यू नॉलेज से कनेक्ट करते जाएं और पाठ में बच्चों की रुचि उत्पन्न करते जाएं। अगर हम इन व्याख्यान कौशलों के घटकों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित ही जो छात्र अध्यापक एवं छात्र अध्यापिकाएं हैं अथवा जो भी शिक्षक एवं शिक्षिकाएं हैं वह व्याख्यान कौशल को प्रभावशाली बना सकते हैं और शिक्षण प्रक्रिया को रुचिकर बना सकते हैं। जब शिक्षण प्रक्रिया रुचिकर होगी तो छात्र ज्ञान अर्जन करने में प्रसन्नता महसूस करेंगे तथा ज्ञान का अर्जन सही तरीके से कर सकते हैं। धन्यवाद।